give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. Shimla to har koi jata hai, par kya aap kabhi Kotgarh gaye ho? कोटगढ़ बसा है शिमला से कुछ दूर, नारकंडा पार करते हुए आती है ये खूबसूरत सी जगह कोटगढ़। कोटगढ़ में आपको देखने को मिल सकता है बहुत कुछ। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्पल फार्म देखने को मिलेंगे। खैर हमारी जर्नी जो दिल्ली से कोटगढ़ की रहती है वो कुछ 8 से 9 घंटे की रहती है, सो इट्स बेटर टू प्लान अर्ली मॉर्निंग ट्रिप। और यहाँ पहुँचने के बाद आप रेस्ट करो जिस दिन आप पहुँचते हो और नेक्स्ट डे स्टार्ट करो अपने आगे की जर्नी। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस टुगेदर इन दिस ब्लॉग। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल। आई एम ट्रैवलिंग विद रमन ढींगा जो कि पीछे भी गिम्बल को लॉक कर रहा है। प्लस गिम्बल, इट्स ड्रोन। चलो कुछ तो पता है, साक्षी धंजल का ड्रोन। हाँ कुछ तो पता, मैं चेक कर रही थी। सो वी आर इन दिस ब्यूटिफुल वैली नोन एज कोटगढ़ जो कि शिमला से कुछ 4 घंटा दूर है और नारकंडा से कुछ 1.5 से 2 घंटा। सो सबसे पहली डेस्टिनेशन है हमारी यहाँ का लोकल टेम्पल जहाँ आज ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा है। सो यू नो दिस इज फॉर आज दशहरा है, सो इसलिए दे हैव देयर लोकल फंक्शन। अच्छा आप डेली दारू पीते हैं, ताश खेलते हैं, बिमला को तंग करते So this is the second destination of the day, which is Saint Mary Church, Kotgarh, established in 1872. अभी यहाँ पे जस्ट प्रेयर्स खत्म होंगे तो हमें बच्चे बाहर आते हुए दिखेंगे, लोग बाहर आते हुए दिखेंगे। थर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द डे, तानी जुबेर लेक। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि लोग यहाँ पे दूर दूर से सबसे पहले तो प्री वेडिंग शूट करने आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है एग्जैक्टली, तो वहाँ पे जो फेस्टिव टाइम होता है इस लेक को बहुत शुद्ध माना जाता है, और ये एरिया कोटगढ़ का नेशनल पार्क भी काउंट होता है। सो ये हमारे यहाँ भैया है एंड ये लेकर आए हैं हमारे लिए क्या क्या दो चीज़ें हैं, पनीर और वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस ये आपने खुद बनाए हैं? आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो सच में। फाइनली रीचिंग टू द फोर्थ डेस्टिनेशन ऑफ कोटगढ़ जो आपको एक्सप्लोर करनी ज़रूर चाहिए क्योंकि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। सो ये जगह कुछ पड़ेगी कोटगढ़ से 40 मिनट्स के डिस्टेंस अगर आप कार में ड्राइव कर रहे हो। और जो लोग इसकी जो चढ़ाई कर कर आते हैं ना, जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग जनवरी सो दिसंबर पूरा, तब वो लोग चढ़ाई कर कर आते हैं बर्फ़ से। सो गाइस अगर आप हाटू पीक पर आ रहे हो हाटू मंदिर से, सो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये भीम चूल्हा है, तो जस्ट इमेजिन कि भीम जी की हाइट उस टाइम पे 2100 साल पहले कितनी बड़ी होगी। अब हम चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। व्यू पॉइंट पे हमने सिर्फ व्यू एंजॉय किया और अपना फ़ोन छोड़ दिया इस व्यू को कैप्चर करने के लिए। बाय द वे कैसा लग रहा है बादलों का इतना खूबसूरत व्यू? सो ये तालाब पड़ेगा आपको हाटू पीक जाते हुए या फिर हाटू पीक से नीचे आते की तरफ। हालांकि इतना साफ नहीं है लेकिन सुंदर बहुत है नज़ारों के हिसाब से। इतनी जगह बहुत तगड़ी है, वीडियो ना लोगों को दिखाएंगे। चल 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 भाग भाग, नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट लोकेशन। हेलो, तो एज यूजुअल ये लड़का भुलक्कड़ है तो हम चर्च वापस आए हैं क्योंकि ये भूल चुका है मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नाइट नहीं, मैग्नेट मैग्नाइट तेरी गाड़ी का नाम है क्योंकि ये लड़का भूल चुका है। इतना प्यार है इसको मैग्नाइट से कि हर जगह मैग्नाइट ढूंढती रहती है। मैग्नेट, और वो मैग्नेट है मेरे गिम्बल का। धड़क 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 धड़क। ट्रैवलिंग विद रमन ढींगरा जो कि अभी तक नहाया नहीं और लेट लतीफ़ है। फिलहाल हम प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं, हम रुके हैं 13 फॉरेस्ट बीएनबी के साथ जो कि पड़ता है नारकंडा में। कुछ तो पीछे से कमेंट्री कर दो, कोटगढ़ में पड़ता है गाइस। नारकंडा ही आज सुबह से नारकंडा करे जा रही है। इसके साथ कॉफी एंड ट्रस्ट मी यहाँ का जो फूड है वो रमन बताएगा। भाई लाजवाब लबाबदार, मजा आ जाता है खा के। भैया के हाथ में जादू है। इतनी ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी थी। दैट्स नॉट ओवर एक्टिंग, दिस इज ओवर एक्टिंग। पैसा काटा जाए इस लड़के का। फाइनली मैं हूँ अपने स्टे पे और ये है मेरा
यहाँ पे कैफे, मैं आपको रूम्स दिखा देती हूँ यहाँ के। आई फील लाइक अगर ये वाला खुला हुआ है जो मेरे रूम के साथ वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाती हूँ क्योंकि दिस इज़ द ओनली रूम जो कि अवेलेबल है विद ओके विद द अलमारी नहीं बट विद द बाथटब। सो अगर आप बाथटब का लेना चाहते हैं मज़ा, तो इनके पास बाथटब वाले रूम भी हैं विद अ बिग मिरर इन एवरी रूम। बाथटब सिर्फ दो रूम में है एंड दे हैव अराउंड 6 रूम्स। सो लेट मी शो यू विदाउट बाथटब वाला, एंड व्यू आपको हर बालकनी से मिलेगा। फ्लोर की तरफ जाती हूँ, आई मीन फर्स्ट फ्लोर बट ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाती हूँ जो कि इनका टॉप फ्लोर है। सो उसमें है आपके अगेन ये पूरा कंप्लीट कमरा। सो दिस इज़ द रूम जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ कंबाइन प्लान कर सकते हो, प्रॉपर किचन एंड समवेयर विद अ वॉशरूम ऑल्सो विद अनदर बेडरूम। सो ये 2 रूम्स विद फैमिली प्लानिंग के साथ हैं अगर आप बड़ी फैमिली को लेकर आ रहे हो तो। प्लस अगर मैं आगे की बात करूँ, दिस हैव अ ह्यूज व्यू जो लड़कियों के बैग से उड़ा के भाग जाता है। देखो प्यार की कली, कौन सी कली, मैं चली। चलो भाई भैया, सी यू मोनू भैया, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, दो बहुत अच्छी आज। इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। लास्ट लोकेशन जो आप मिस नहीं कर सकते हैं जो है कोटगढ़ के एप्पल फार्म। एप्पल फार्म यहाँ पे बहुत सारे हैं और बहुत ह्यूज ह्यूज हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना ड्रोन फ्लाई किया तो जस्ट टू शो यू कि कितना बड़ा है ये एप्पल फार्म। एंड हाँ, अगर आप लकी रहे तो आपको यहाँ पे एप्पल भी मिल सकते हैं किसी सीज़न में खाने के लिए। तो कमेंट करके बताओ किस सीज़न में मिल सकते हैं आपको एप्पल खाने के लिए। सो आप प्लान कर सकते हो ये ब्यूटीफुल 5 प्लेसेस कोट कर की। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके बताओ। लास्ट थिंग, हाटू पीक पे है काली माता का मंदिर। सो आपको अगर ये सब पता था और आप ऑलरेडी कोट कर जा चुके तो प्लीज़ बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।